मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धामूर्ति देवी, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। एक घर में दो सदस्य थे, पति और पत्नी। दोनों में आपस में बहुत प्यार था, दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित थे। और आप अच्छी तरह जानते हैं, जिस घर परिवार में पति पत्नी में प्रेम होता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है, उसी परिवार में स्वर्ग का राज्य होता है। और जिस परिवार में पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, चाहे वह परिवार में कितना बड़ा मकान क्यों न हो, वहां पर नरक होता है। पति और पत्नी से ही गृहस्थी आरंभ होती है, दोनों गृहस्थी के मूल हैं। यदि दोनों सुसंस्कारी हैं, दोनों में आपस में प्यार है, एकता है, समता है, समर्पण है, तो उनसे होने वाले बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं और घर के बुजुर्गों की सेवा होती है। और जहां दोनों का अपना अपना अहंकार बढ़ा, दोनों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे से मनवाने की जिद ठान ली, वहां व्यवहार बिगड़ना है, कलह होना है और नरक शुरू होना है। कई बार ऐसा होता है, पत्नी का अपना अहंकार, पति का अपना अहंकार, कोई किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं होता है। कितने परिवार में तो यह देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन दोनों में बातचीत नहीं होती है। और जिस परिवार में पति पत्नी में ही बातचीत बंद हो जाए, परिवार की गाड़ी कैसे चलेगी, सहज सोचा जा सकता है। उस परिवार का विकास कभी हो नहीं सकता है। विकास होने की तो बात, कई बार काम बिगड़ जाता है और नुकसान उठाना पड़ता है। उदाहरण याद आता है, एक बार एक घर में दोनों पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विवाद हो गया। और विवाद ऐसा हुआ कि दोनों में बातचीत बंद हो गई। एक सप्ताह तक दोनों में बिल्कुल बातचीत नहीं, क्योंकि दोनों सोचते थे कि कौन पहले बोले, जो पहले बोलेगा वो छोटा हो जाएगा। पत्नी सोचती है कि मैं क्यों पहले बोलूं, मेरी गलती थोड़े है, मैं क्यों झुकूं, झुकना हो तो पति झुके, उनकी गलती है। पति सोचता था मैं पति हूं, मैं बड़ा होता हूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहले बोलूं। पत्नी छोटी होती है, पत्नी को पहले बोलना चाहिए। कोई पहले बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जो पहले बोले वो छोटा हो जाएगा। एक सप्ताह बीत गया, एक दिन पति को सुबह सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़नी थी। 6 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए 5 बजे जागना चाहिए, लेकिन आजकल की सभ्यता आप जानते हैं, लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तो सोते हैं, तो 5 बजे नींद कैसे खुले। नींद तो जल्दी तब खुले जब जल्दी सोया जाए। पति की आदत थी देर से सोने की, सोचा कि 5 बजे तो नींद खुलेगी नहीं, देर से सोने की आदत। पत्नी से कह दूं कि मुझे सुबह जगा दे, लेकिन सोचा कि मैं पहले कैसे बोलूं, बोलूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। तो पति सोचता क्या है, क्या उपाय करूं। तो पति एक कागज में लिखता है, देखो जी मुझे सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे जगा देना। कागज में लिखता है और पत्नी के बिस्तर पर रख देता है। सोचता है अब तो मैंने पत्नी को बता दिया, और सुबह मुझे 5 बजे जगाएगी। पत्नी आती है,
देखता है कि कागज कुछ लिखा हुआ पढ़ लेती है, वो चुपचाप सो जाती है। सुबह जब पति की नींद खुलती है तो देखता है घड़ी 7 बजा हुआ है, पूरा प्रकाश फैला हुआ है, सोचता है तो ट्रेन मिलेगी नहीं, बड़ी समस्या होगी। पत्नी पर गुस्सा भी आता है कि मैंने कहा था जगाने को, जगाई भी नहीं। उठता है तो वो देखता है पति के जगाने पर एक चीट रखा हुआ है, पत्नी ने लिखा था उठो जी सुबह के 5 बज गए लिखा, और पति के सिराने पर कागज कान पास रख दिया। अब जरा सोच सकते हो ऐसी स्थिति में परिवार में नरक होगा कि स्वर्ग होगा। अब कई घरों में ऐसा होता है दोनों का अहंकार जितना बढ़ता जाएगा व्यवहारिक जीवन उतना कटु होता चला जाएगा। व्यवहारिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, अपने परिवार में स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं तो विनम्र बनकर के जीना पड़ेगा। जो जितना बड़ा विनम्र होगा, जितना झुकना जानेगा, वह उतना ही सुखी रहेगा और उतना ही दूसरों के दिल को जीत लेगा। अहंकारी आदमी तो स्वयं दुखी होता है और दूसरों के दिल को बात बात पर दुखाता रहता है। मैं कह रहा था कि एक परिवार में पति पत्नी दो थे, दोनों में आपस में बड़ा प्यार था, दोनों किसी बात को लेकर कभी झगड़ते नहीं। वर्षों बीत गए, गांव वाले पड़ोस के लोग कहते थे कि भैया दोनों कैसे पति पत्नी हैं कि आपस में इतने प्यार से रहते हैं, कभी कटु बात भी नहीं करते, जोर से भी नहीं बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बात बात में झगड़ा हो जाता है। गांव वाले सब उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन पड़ोसी की नींद जब खुली तो सुनता है कि वे दोनों पति पत्नी आपस में बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, दोनों में तकरार हो रही, कुछ विवाद हो रहा है। पड़ोसी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज क्या बात हो गई, वर्षों बीत गए, 15 साल हो गए इनके बीच रहते रहते झगड़ा होने, आज कैसा हुआ। सोचा कोई बात होगी। 2 घंटा बीत गया, पति पत्नी दोनों का विवाद शांत होने का नाम नहीं, पड़ोसी से रहा नहीं गया। वह चला गया और कहा कि माफ करिए कि आप दोनों पति पत्नी के विवाद में मुझे आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों का विवाद बढ़ता ही जा रहा है तो मैं आ गया। मैं आप लोगों की कोई सहायता कर सकूं तो मुझे खुशी होगी, समस्या क्या है आप बताएं। तो गृहलक्ष्मी कहती है, घर की देवी कहती है, भाई साहब समस्या कुछ नहीं है, बात बहुत छोटी है, मैं इनसे यह कह रही हूँ कि हम अपने लड़के को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाएंगे, मेरी तबीयत अक्सर खराब रहती है, बात बात में डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ता है, लड़का ही डॉक्टर बन जाएगा तो घर में चिकित्सा हो जाएगी, इलाज हो जाएगा। पत्नी की बात सुनते ही पति कहता है मेरे जीते जिए संभव नहीं है, मैं तो लड़के को पढ़ा लिखा करके वकील बनाऊंगा, मुकदमा बहुत बढ़ गया है, जगह कभी शेयर सेक्टर मुकदमा करी, इनकम टैक्स का मुकदमा करी, जमीन जायदाद का मुकदमा, वकीलों पीछे दौड़ना पड़ता है, समय और पैसा खराब होता है, मैं तो लड़के को वकील ही बनाऊंगा। पत्नी कहती है मैं लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी, पति कहता है मैं लड़के को वकील बनाऊंगा, और दोनों इसमें झगड़ रहे थे। पड़ोसी ने कहा आप दोनों का कहना बिल्कुल सही है, डॉक्टर का पैसा भी बढ़िया होता है, वकील का पैसा भी बढ़िया होता है, लेकिन मेरी राय यह है कि लड़के को बुला करके पूछ लिया जाए लड़का क्या बनना चाहता है। तो पति पत्नी दोनों ने कहा भी लड़का पैदा नहीं हुआ है। एक कहानी बात को समझाने के लिए कि मेरी बात सबसे ऊपर रहनी चाहिए, सब मेरी बात माने, यह अहंकार व्यवहार के क्षेत्र में भी और धर्म के क्षेत्र में भी लोगों को रोज रोज बांटता चला जा रहा है। धर्म का क्षेत्र, धर्म का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग विनम्रता का मार्ग है, सरलता का मार्ग है, सहजता का मार्ग है, लेकिन
हम देखते हैं धार्मिकों का अहंकार जितना बढ़ा हुआ है उतना अहंकार किसी का नहीं है। जो जहां है जिस मत में है, जो जिस मत का मानने वाला है, अनुयायी है, वो यही कह रहा है इस दुनिया में यदि स्वर्ग का, मोक्ष का और परमात्मा को पाने का कोई मार्ग है तो केवल हमारा मार्ग है। सभी लोगों ने, सभी धार्मिकों ने स्वर्ग, मोक्ष और परमात्मा को अपने अपने मतपंथ की डिबिया में बंद कर लिया है। सब सत्य के ठेकेदार बनते चले जा रहे हैं और सत्य परमात्मा इतना विशाल है कि वह किसी एक मत पंथ की डिबिया में बंद नहीं हो सकता, वह किसी एक का नहीं हो सकता। उसको जो जितना समझे, समझ करके आचरण करे, वह उतना ही सुखी होगा, उतना ही वह सत्य और परमात्मा के निकट होगा। आवश्यकता है सत्य को समझने की। ये सूरज, चांद, धरती और आकाश किस मत के हैं? क्या कोई दावा कर सकता है कि सूरज केवल मेरे ही मत का है, चंद्रमा केवल मेरे ही संप्रदाय का है, धरती और आकाश पर मेरे संप्रदाय का अधिकार है, हवा और पानी पर मेरे मजहब का अहंकार है? कोई ये दावा नहीं कर सकता। सूरज और चांद, धरती और आकाश, हवा और पानी, ये सब के हैं। इनका जो जितना जैसा उपयोग करे उसके जीवन में वैसी सुविधा होगी, निरोग्यता होगी और उसका जीवन अधिक आसानी से, सरलता पूर्वक, प्राकृतिक ढंग से व्यतीत होगा। ठीक ऐसे ही सत्य और परमात्मा किसी एक मत और पंथ के नहीं, वह सबका है। जो जहां है अपने अपने संप्रदाय के नियमों का पालन करते हुए दूसरे संप्रदाय के नियमों को आदर दे, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा रखते हुए दूसरे के गुरु और इष्ट को आदर देना शुरू करे तो दुनिया में अपने आप स्वर्ग का राज स्थापित हो जाएगा। धर्म प्रेम का मार्ग है, लेकिन आप जानते हैं धर्म के नाम पर जितनी लड़ाइयां हुई है, जितना खून बहाया गया है, उतनी लड़ाइयां जमीन, स्त्री और धन को लेकर के नहीं हुआ है। भौतिकवादियों ने उतना खून नहीं बहाया है जितना खून धार्मिकों ने बहाया है। और क्यों? क्योंकि सब ये मानते हैं हमारे ही मत को भगवान ने दुनिया में भेजा है स्वर्ग देने के लिए। सभी धार्मिक लोगों ने, सभी धर्म वालों ने अपना अपना भगवान बना रखा है और उनका उनका भगवान केवल उनके उनके मजहब वालों को मोक्ष देता है और उनका भगवान उनकी ही बात समझता है। मुसलमानों का भगवान केवल अरबी समझता है, हिंदुओं का भगवान संस्कृत समझता है, ईसाइयों का भगवान हिब्रू समझता है। भगवान भी ऐसा कि एक भगवान दूसरे भगवान की भाषा को नहीं समझ सकता है। कैसा आश्चर्य है। अब हकीकत क्या है? क्योंकि हमने अपने अपने ढंग से भगवान बना रखा है और हमारा बनाया भगवान जहां आएगा वहां गड़बड़ी होगी ही होगी। असली भगवान को हम समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि असली भगवान को समझ लेंगे तब हमारी जो दादागिरी है वह दादागिरी समाप्त तो हो जाएगी और हम अपनी दादागिरी को समझ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और ऐसा भी होता है, आदमी जैसा होता है वैसा ही भगवान बनाता है। लोग यह कहते हैं, धार्मिक लोग कहते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाकर दुनिया में भेजा है। ये बात सही है या नहीं है इस पर मुझे नहीं जाना है। हकीकत यह है
भगवान ने आदमी को नहीं बनाया है, आदमी ने भगवान को बनाया है। आदमी न हो तो दुनिया में न एक देवी होगी, न देवता होगा, न भगवान होगा। आदमी न हो तो कोई मंदिर नहीं होगा और मस्जिद नहीं होगी, न गिरजा और गुरुद्वारा होगा। देखो चंद्रमा में कोई आदमी नहीं है, इसलिए न वहाँ हनुमान जी है, न वहाँ गणेश जी है, न वहाँ कोई मजार है, न मंदिर है, न मस्जिद है, न गिरजा और गुरुद्वारा है। चंद्रमा में आदमी नहीं है, इसलिए वहाँ खुदा, गाड, अल्लाह, पीर, पैगंबर, ईश्वर, भगवान कोई नहीं है। कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि एक पत्थर पर बंधन लगा दो और वो पत्थर हनुमान जी बन जाए, क्योंकि आदमी नहीं है तो भगवान कौन बनाएगा। आदमी को भगवान की जरूरत है, और कैसे भगवान की जरूरत है, जिस भगवान को एक पाव लड्डू चढ़ा दो और वो भगवान एक पाव लड्डू बदले में आपको 1 लाख का मुनाफा कर दे, एक पाव सत्तू भगवान को दे दो और वो भगवान आपकी पत्नी की बीमारी को ठीक कर दे, एक पाव मिठाई भगवान को दे दो और वो आपको परीक्षा में पास कर दे, ऐसा भगवान आपको चाहिए। लेकिन ये आपका बनाया भगवान नकली भगवान है, झूठा भगवान है, ऐसा भगवान आपका काम नहीं आएगा। असली भगवान को आपको समझना होगा। असली भगवान क्या है? नियम। नियम को समझे, जो कुछ दुनिया में होता है नियम पूर्वक ही होता है। प्रकृति में सर्वत्र कारण कार्य की एक अटूट व्यवस्था है, और वह व्यवस्था हर देश के लोग के लिए, हर समय के लिए एक समान होती है। उस नियम में कोई अंतर नहीं पड़ता। आग का नियम है जलाना, पानी का नियम है बुझाना, शीतल करना। एक भोगी आदमी आग में हाथ डालेगा तो भी उसका हाथ जलेगा, और एक योगी आदमी हाथ डालेगा तो उसका भी हाथ जलेगा। एक व्यभिचारी से व्यभिचारी आदमी आग में हाथ डालेगा तो भी उसका हाथ जलेगा, और एक ब्रह्मचारी से ब्रह्मचारी आदमी हाथ डालेगा तो उसका भी हाथ जलेगा, क्योंकि आग का नियम है जलाना। आप रोज आग की पूजा करते हैं, अग्नि देवता की उपासना करते हैं। पूरा काल में सबसे बड़ा देवता था अग्नि। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि से शुरू होता है, अग्नि सबसे बड़ा देवता, और अग्नि को ब्रह्म कहा गया था, बृहत्वाद ब्रह्म। जो बढ़ता जाए, जो सबसे बड़ा हो वह ब्रह्म है। आग थोड़ी जलाओ वो बढ़ती चली जाती है, इसलिए आग को ब्रह्म कहा गया था। तो सबसे बड़ा देवता ऋग्वेद के काल में अग्नि, और इसलिए यज्ञ की परंपरा चली, हवन की परंपरा चली कि आग में आहुति डालोगे तो अग्नि देवता खूब होंगे। मैं कह रहा था कि आप अग्नि की उपासना करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, और अग्नि की पूजा करते करते 25 साल आपके बीत गए हैं। किसी दिन आपसे असावधानी होती है और आग की चिंगारी थोड़ी बढ़ती है, घर में आग लग जाती है, और आप हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएं कि हे अग्नि देवता, मैं 25 साल से आपकी पूजा कर रहा हूं, आप मेरे घर को न जलाएं। तो क्या वो आपकी पूजा करने से, प्रार्थना करने से, हाथ जोड़ने से वो अग्नि देवता शांत हो जाएगा? अरे पूजा न करो, घर में आग लग गई है तो धूल डालो, पानी डालो, कुछ प्रकार से बुझाने का प्रयास करो। लोग गंगा की पूजा करते हैं, गंगा स्नान कर, अच्छी बात है, स्नान करो, कोई रोक टोक नहीं उसके लिए। पास में यदि गंगा बहती हो रोज जाओ, सुबह उठो और गंगा नहाने जाओ। इसी बहाने कुछ तो चलना होगा, 2-4 किलोमीटर चलोगे तो शरीर स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और मन में प्रसन्नता रहेगी कि मैं गंगा स्नान कर रहा हूँ। सुबह सुबह नहाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। गंगा हो, कोसी हो, बागमती हो, कोई नदी हो, पास में है, पानी स्वच्छ है तो जाओ नहाओ, उसके लिए मना नहीं। लेकिन आप रोज गंगा नहाने जाते हैं और नहाने के बाद रोज गंगा किनारे बैठ करके गंगा की पूजा करते हैं, धूप दीप चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, गंगा की प्रार्थना करते हैं, चलो ठीक है। किसी दिन नहाते नहाते
आपका पैर फिसल जाएगा तो गंगा जी सोचेगी ये भगत 25 साल से मेरी पूजा कर रहा है, इस भगत को मैं बहाऊंगी नहीं, इसको तो किनारे लगा दूंगी। वो तो सोचेगी नहीं, वो बहा करके ले जाएगी, क्योंकि धर्म उसका है बहाना, वो तो जड़ है, उसका नियम है। नियम को समझें और नियम को समझ करके नियमानुसार काम करें, यही असली भगवान की पूजा होगी। लेकिन इस नियम भगवान में क्षमा नाम की कोई चीज नहीं होती, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, ये प्रकृति का नियम है। और हम चाहते क्या हैं? गलत से गलत काम करता रहे और हमारे पाप कर्मों का परिणाम दूर होता रहे, हमें दुख न भोगना पड़े। अपने गलत कामों के पापों से बचने के लिए हमने नकली भगवान नकली देवता तैयार कर रखा है और भगवान और देवताओं की फौज बना ली है। लेकिन बंधुओं, आप पूजा करते हो, पूजा करो, पूजा मन की शांति के लिए है, मन की प्रसन्नता के लिए है, सात्विक भावना के लिए है। आप पूजा करते हैं, मेरा कोई रोक टोक नहीं उससे, लेकिन पूजा के बल पर पाप कर्मों के फल से आप बच जाएंगे, ये धोखा है। तो सुबह के सत्र में गुरुदेव जी ने कहा था, जो नाम आप जपना चाहते हो, राम नाम, ब्रह्म नाम, कृष्ण नाम, गुरु नाम, सत नाम, या गॉड नाम, अल्लाह नाम, बुद्ध नाम, जैन नाम, जो नाम जपना चाहते हो जपो। किसी पवित्र नाम के जप करने से मन में प्रसन्नता और सात्विक भावना आती है, एक शुरुआत होती है धर्म की, इसलिए आप जपो। लेकिन किसी नाम के जप करने से आपके किए हुए पाप कर्मों का फल मिट जाएगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये धोखा है। कोई नाम आपके पाप कर्मों को काट नहीं सकता। कबीर साहब तो ये कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निफल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। चाह कहते हैं अपनी जो की हुई कमाई है कभी निष्फल नहीं जाती है। गलत काम करोगे तो गलत फल मिलेगा ही। बबूल का पेड़ बो करके आम खाने की इच्छा करना, आम खाने की आशा करना, अपने को धोखा देना है। एक बात आप करो, कहीं से बबूल का बीज ले आओ और बढ़िया जमीन तैयार करके, उपजाऊ से उपजाऊ जमीन हो, उस जमीन को तैयार करो, खूब खाद दो। बढ़िया तैयार करने के बाद उस बबूल के बीज को वहां पर बो दो। अब बबूल का बीज बोने के पश्चात रोज उस बबूल के बीज को गंगा जल से सींचो और वहां बैठ करके अपने माने हुए जो धर्म ग्रंथ हैं, जो आप मानते हो, वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, गीता हो, बीजा भीता क्यों ना हो, रोज उस ग्रंथ का पाठ करो और अपने भगवान का नाम जपो वहां रोज बैठ करके। अब ये सोचो कि बबूल का बीज मैंने बो दिया है, इसे रोज मैं गंगा जल से सींचता हूँ, यहाँ बैठ करके घंटा भर में वेद पाठ करता हूँ, गुरु का नाम जपता हूँ और इस बबूल के बीज से आम का फल आ जाएगा, गेंदा का फूल निकल जाएगा, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं। तो जब एक बबूल के बीज में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो हमने जो गलत काम कर लिया है वह गलत काम का परिणाम दूर कैसे हो सकता है? तो आप जो मानते हैं माने, लेकिन सबसे बड़ी पूजा यह है कर्मों का सुधार। जान बुझ करके कभी किसी को न दुखाएं। सुन रहे थे भजन, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, ये सबसे बड़ा भजन है, ये सबसे बड़ी पूजा है। और यहाँ पर सर्वत्र नियम काम करता है, नियम से चले, नियम ही सबसे बड़ा भगवान है। और जो नियम भगवान को समझता है, आचरण करता है, उसे अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करना पड़ता। मैं ये कह रहा था कि नाना संप्रदाय वाले लोगों ने अपने अपने मजहब में, सभी लोगों ने अपना अपना भगवान तैयार कर लिया है,
और उसको हमारा भगवान बड़ा, हमारा भगवान बड़ा कह करके धर्म के नाम पर लोग नरक पैदा कर रहे हैं। ये धर्म को समझना नहीं हुआ है, भगवान समझना नहीं हुआ है। जो सच्चा धार्मिक होगा, सच्चा भगवत भक्त होगा, वह कभी किसी से लड़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं करेगा, किसी को दुख नहीं देगा। इसलिए अपने भगवान को हम समझें।